परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय गिरफ्तार। आज मुंबई दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी, शरद पवार से करेंगी मुलाकात। लोकसभा में आज कोरोना पर होगी चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया देंगे जवाब। आज मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। यूपी में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बांदा जाएंगे, जहां अखिलेश यादव पुलिस लाइन बांदा पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। ये यात्रा बांदा से महोबा, ललितपुर और झांसी के गरौठा विधानसभा में खत्म होगी। इस मौके पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने वरिष्ठ समाज सेवी अशोक श्रीवास से खास बातचीत की, तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। टीवी में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बांदा जिले के जीआईसी ग्राउंड में। आज हम आपको बताएंगे कि सारी जो है पार्टियों ने अपनी अपनी कमान कस ली है और कल 1 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बांदा आगमन है। इसकी तैयारी आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और आज हम एक समाजवादी पार्टी के नेता से बात करेंगे कि 2022 को लेकर चुनाव मुद्दे क्या होंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी जो बुंदेलखंड से 22 की 22 सीटें चुनाव जीत के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। चुनाव के मुद्दे हमारे किसान, बेरोजगार, शिक्षा, महंगाई और कल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बांदा आगमन है, इसमें किस तरह की तैयारी की गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में बुंदेलखंड में 5वें चरण का जो है ये विजय रथ यात्रा चल रही है। 5वें चरण यहाँ से महोबा, झांसी, ललितपुर होते हुए झांसी राजस्थान करेंगे, बुंदेलखंड का 5वां चरण। तो इन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी की गई है और सब बता के इन्होंने बताया कि ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं बांदा से। रिजवान, कैसी तैयारियां चल रही है अखिलेश के आगमन पे? इसी का मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि जो है 1 दिसंबर को तकरीबन 10:45 पे अंदाज लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जो है उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बांदा आगमन होगा जी, और उनका उल्लंघन घटोला पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरेगा और जो है इसके बाद वो जो है जीआईसी ग्राउंड बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जाएंगे जी। तो आज कहां कहां पे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अखिलेश? वहां की तैयारियां मैंने आपको और जहां जहां पे ये जनसभा जो है संबोधित करने वाले हैं जी, जहां की जानकारी मिलते हुए ये बताया जा रहा है कि महोबा, ललितपुर, झांसी जी और जो है गरौठा विधानसभा में करेंगे ये सब जो है तैयारियां जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़े थे बांदा से। हाथरस में सपाइयों ने बुलगड़ी की बेटी की याद में कैंडल मार्च निकाला। सपा जिलाध्यक्ष रामनारायण काके की अध्यक्षता में ये मार्च निकाला गया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 25 नवंबर को ट्वीट कर कहा था कि प्रदेशवासी, सपा और सहयोगी दल हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी का स्मृति दिवस मनाए, जिसके बाद हाथरस के कई इलाकों में मार्च निकाली गई जो रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर खत्म हुई। तो हाथरस से घटना सामने आ रही है जो कैंडल मार्च निकाला गया है हाथरस की बेटी के लिए। आपको बता दें कि अखिलेश ने इस बात का ऐलान किया था अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और साथ ही सहयोगी पार्टियों से भी। ये 30 तारीख को हाथरस की बुलगड़ी कांड जो हुआ था उसकी बेटी की याद में ये मार्च निकाला जाए, उसकी स्मृति के
चलते स्मृति दिवस मनाया जाए। सिद्धार्थनगर में 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कई पार्टियों के नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में टिकट की आस में दल बदल कर रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता हरिशंकर सिंह 32 साल तक पार्टी का दामन थामे हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने बसपा पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा में शामिल होने के बाद हरिशंकर सिंह का जिले में बिस्कोहर बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बसपा नेता हरिशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी में मैंने 32 साल तक खून पसीना बहाया, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद मेरे साथ बहुत उत्पीड़न हुआ। संभल के चंदौसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में तहसील चंदौसी में हाथरस की बेटी मनीषा हत्याकांड के एक साल पूरे होने पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चंदौसी को सौंपा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दलितों का उत्पीड़न बंद करो के नारे लगाए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अंसारी ने कहा कि हाथरस की बेटी मनीषा की मौत को एक साल हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय किए गए वादों में एक वादा भी नहीं निभाया। तो हाथरस की घटना को एक साल पूरा हो गया है, और जिस तरह से सपा के मुखिया ने ऐलान किया था कि 30 तारीख को स्मृति दिवस मनाया जाए, तो उसी के चलते अलग अलग राज्यों में राज्य के अलग अलग जिलों में इस तरह के कैंडल मार्च निकाली गई। संभल से भी अब ये खबर सामने आ रही है जहां पे नारेबाजी भी की गई। समाजवादी पार्टी के साथियों ने जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया था। आज का दिन भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए काला दिवस है, क्योंकि आज एक बेटी को दलित होने के कारण हाथरस की जो मनीषा बेटी थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काटी गई और वो ख़त्म हो गई। हम काला दिवस इसलिए मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए खासकर लगातार बच्ची तड़ती रही और दिल्ली में उसने दम तोड़ा। परिवार वाले लगातार कहते रहे कि भाई हमें अंतिम संस्कार करने दो, लेकिन रात के 2:30 बजे उसके गांव में ले जा करके पेट्रोल छिड़क करके उसे चला दिया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, दलित बेटी थी। इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं संभल से। मुबारक, किस तरह का नजारा देखने को मिला और क्या कुछ नारेबाजी की गई कार्यकर्ताओं द्वारा? आपको बता दूं, जनपद संभल के चंदौसी तहसील में जो तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने दूसरी माओ को लेकर, और एक साल हो गया हैदराबाद की लड़की के लिए उसका, और चंद मार्च लेकर निकाला है और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। जी मुबारक अली, जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा, क्या उनमें से कोई भी पूरा किया गया? जो सरकारी तरफ से जो वादे किए गए थे उसमें जिलाध्यक्ष ने नाकाम साबित कर दिए हैं और काफी गंभीर आरोप लगाए, कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। और जो उन्होंने बताया हमारी सरकार आएगी तो वो वादे पूरे किए जाएंगे और मुआवजा दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। जी, तो जो ये हत्याकांड हुआ था इसके बाद लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला था, तो इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला है, तो अब जनता का क्या कहना है इस मामले पे? जनता का ये कहना है सन 2022 में हमारी सरकार उनकी सरकार बनेगी, जब उसके बाद इनके लिए मुआवजा भी दिया जाएगा और इनके सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और इनके लिए सुरक्षा भी दी जाएगी। जनता का ये कहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। कानपुर के निजी होटल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रिटेल एंड एमएसएमई एक्सपो के बारे में बताया गया। स्कीम के तहत एमएसएमई ग्राहकों को 6.90% की दर से ऋण मुहैया कराएगा, जिसमें सीएमआर और 1 और 2 के ग्राहकों को बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के ये ऋण मिल सकेगा। कोविड से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने योगदान को बढ़ाने के लिए डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए और भी कई स्कीमें लॉन्च की हैं।
तो आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम लेकर आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बताया कि रिटेल एंड एमएसएमई एक्सपो के बारे में पूरी जानकारी थी। स्कीम के तहत एमएसएमई ग्राहकों को 6.90% की दर से ऋण मुहैया कराएगा, जिसमें सीएमआर 1 और 2 के ग्राहकों को बिना किसी प्रोसेसिंग फीस की ऋण मिल सकेगा। और कोविड से उभरती अर्थव्यवस्था में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने योगदान को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ट्रैक्टर और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च कर रहा है। उन्नाव में आज अजगैन थाना क्षेत्र के मिश्रीगंज गांव के एक बाग में युवक और युवती के शव फंदे से लटके हुए पाए गए। दोनों शवों के लटकने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर पहुंची अजगैन थाना पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि युवक 3 दिन पहले युवती को कानपुर से अपने साथ भगा ले गया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। थाना अजगैन के कनवा गांव में एक प्रेमी युगल की एक पेड़ से लटके होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उनके शव प्राप्त मिले थे। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा पंचायत थाना में कार्रवाई करा करके अग्रिम विधि संभल बहजोई क्षेत्र के गांव मैथरा धर्मपुर में जूनियर हाई स्कूल एक सहायक अध्यापक के ही सहारे चल रहा है, जहां स्कूल में 121 बच्चे हैं और एक ही सहायक अध्यापक बन उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक ने बात करने पर उन्होंने बताया कि हमने लिखित में अपने विभाग को प्रार्थना पत्र दे दिया है, जबकि बच्चों से बात करने पर पता चला है कि बच्चों को पूरी किताबें नहीं दी गई थी, लेकिन बच्चों ने टीचर की तारीफ करते हुए बताया कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि 40 बच्चे पर एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे ही स्कूल चल रहा है। संभल से ये खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल का हाल बेहाल है। 121 बच्चों पे सिर्फ एक शिक्षक है, जहां पे सरकार द्वारा कहा जाता है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पे शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जब बच्चों से बात की गई तो बच्चे काफी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक है, एक शिक्षक है, लेकिन वो काफी अच्छे तरीके से सभी को पढ़ाते हैं। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, मैथरा धर्मपुर में जो ये माध्यमिक विद्यालय है वहां का हाल हम आपको बता रहे हैं। एक शिक्षक है जो कई बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन जो कमी का अभाव है वो देखने को मिल रहा है। संभल में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। संविदा कर्मचारी की मांगों में संविदा कर्मचारियों की वेतन पॉलिसी में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए, 2 लाख आशा बहुओं का एक मानदेय लागू किए जाने की मांग भी शामिल है। आपको बता दें कि मांगे की जा रही है सरकारी वेतन को लेकर 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है, साथ ही आशा बहुओं का मानदेय लागू करने की मांग भी की जा रही है। तो लगातार इस तरह की मांगे चलती आई हैं और संभल से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को रखा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया है। संविदा कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिसमें से एक है कि संविदा कर्मचारियों की वेतन पॉलिसी और 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाए, 2 लाख आशा बहुओं का एक मानदेय लागू किए जाने की मांग भी इसमें शामिल की गई है। तो जिस तरह से मांगे हैं उन्हें पूरी करने की बात कही जा रही है और अपनी बातों को रखते हुए ये धरना दिया जा रहा है। अधिकारी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया गया है। संविदा कर्मचारी की मांग है कि संविदा कर्मचारियों की वेतन पॉलिसी और 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए, साथ ही आशा बहुओं को भी लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह से उनका काम है, इस कोविड काल में उन्होंने काम किया है, उसको देखते हुए भी मानदेय लागू होना चाहिए और इसमें मानदेय की मांग भी शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में कोटेदार की
दबंगई से परेशान होकर तारुण विकास खंड के ग्राम पंचायत पारा राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने बीकापुर उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। लोगों ने कोटेदार पर दबंगई, अवैध धन वसूलने और घटतौली करने के विरोध में लोगों को धमकाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में कोटेदार की दबंगई से परेशान होकर तारुण विकास खंड के ग्राम पंचायत अपारा राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने बीकापुर उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। लोगों ने कोटेदार पर दबंगई, अवैध धन वसूलने और घटतौली करने के विरोध में लोगों को धमकाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ इसकी शिकायत करने पर न्याय नहीं मिलने और स्थानीय सप्लाई महकमे पर कोटेदारों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। कोटा 30 साल से दूसरे ग्राम सभा में है, जिसकी दूरी हमारे ग्राम सभा से 3 किलोमीटर है। 70% आबादी को राशन नहीं देते हैं कोटेदार। हमारे यहाँ एक ही राशन कार्ड में हिंदू भाई भी जुड़े हैं, मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं, SC भी हैं उसमें। अभी आपको दिखाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा राशन कार्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ और हमें 6 महीने मुझे प्रधानिक चुनाव जीते हो गया और कम से कम 200 एप्लीकेशन दिया हूँ, मतलब SDM साहब, DM साहब, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव तक का एप्लीकेशन गया है। लेकिन सप्लाई ऑफिस में ही आता ही खत्म हो जाता है। सप्लाई ऑफिस के बाबू जो हैं वो फर्जी सिग्नेचर करके लेटर रिसीव करते हैं, वहाँ जाने पर कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई लेटर नहीं आया है। अभी इसका प्रूफ है हमारे यहाँ। अयोध्या से संवाददाता हमारे साथ राघविंद जुड़ चुके हैं। राघविंद, किस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है कोटेदार का, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल सीखा, बता दें आपको कि अयोध्या जिले के तारुण विकास खंड का ये पूरा मामला है। गांव ग्राम पंचायत है जो पारा राम जी, तो वहां के प्रधान के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कोटेदार के खिलाफ कि ये लगभग 70% लोगों को ये राशन नहीं दे रहे हैं जी। और तो बचे हुए राशन का क्या करते हैं? अब घटतौली का भी मामला आ रहा है सामने। इसके बाद ये कल ग्रामीणों ने देर शाम जो है SDM बीकापुर के सामने धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन करने के बाद वो सप्लाई इंस्पेक्टर को भी घेरा है और अंततः जो सामने आया है मामला जांच में सप्लाई इंस्पेक्टर के, वो जांच करने के बाद SDM और सप्लाई इंस्पेक्टर दोनों ने उस कोटे को निरस्त करने के लिए बोला है जी। ये जल्द से जल्द इसके कोटेदार के खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी जी। क्या डराने धमकाने का भी मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का कहना है कि अगर दबंग किस्म का है कोटेदार और वो जो भी राशन लेने के लिए जाता है या अंगूठा लगाने के लिए जाता है उसके खिलाफ में वो बदतमीजी से पेश आता है और इस तरीके की कई वारदात का आरोप लगाया है, क्योंकि ग्रामीण काफी संख्या में वहाँ इकट्ठे थे। उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि मेरे साथ भी इस तरीके की बदतमीजी कोटेदार के करता है जी। तो राघवन, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कोटेदार पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तक जो सामने आया है मामला वो SDM बीकापुर और सप्लाई इंस्पेक्टर बीकापुर जी, दोनों ने निष्पक्षता से जांच करते हुए अब कोटा निरस्त करने के लिए बोला है कि जो भी जांच सामने आएगी उसके बाद में ये कोटा निरस्त किया जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। मैनपुरी के कस्बा करहल में सराफा व्यापारी के बेटे यश वर्मा की बारात कन्नौज के लिए रवाना हुई थी। बीती रात दुल्हा यश वर्मा गाजबाजे के साथ घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा और जहां रीति रिवाज के साथ सभी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए गए, लेकिन अगले दिन सुबह जब दुल्हन की विदाई का समय आया तो दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर ले आया और फिर हेलीकॉप्टर में दुल्हन की विदाई की गई। देवरिया के विकास भवन के सामने बने नाले में परिवार के साथ आई बच्ची नाले में गिर गई। इस दौरान विकास भवन रोड पर अफरा तफरी मच गई। काफी जद्दोजहद के बाद नगर पालिका के कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने नाले में कूदकर बच्ची को ढूंढ निकाला। नाले से बच्ची को निकालकर एम्बुलेंस को जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो
मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल ले जाते ही। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है क्योंकि बच्ची नाले में गिर गई और इस दौरान विकास भवन रोड पर अफरा तफरी भी मच गई। काफी जद्दोजहद के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। जब एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो देवरिया से ये खबर सामने आ रही है जहां खुले नाले में ये दुर्घटना हो गई है। देवरिया में विकास भवन के सामने बने नाले में बच्ची गिरने से उसकी मौत हो गई। परिवार के साथ बच्ची आई थी और बच्ची नाले में गिर गई। इस दौरान विकास भवन रोड पर काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जद्दोजहद के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। लोग नाले में कूदे बच्ची को ढूंढने के लिए। काफी मशक्कत के बाद बच्ची को ढूंढ निकाला लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में बच्ची गिर गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। देवरिया से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विकास भवन के सामने का ये मामला है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, विकास भवन के सामने क्या नाला खुला हुआ है? किस तरह से ये घटना घटित हुई है? ये विकास भवन देवरिया विकास भवन है, वो डीएस बंगला के ठीक सामने, वहाँ स्लेब में कुछ गैस है, गैस की वजह से बच्ची नाले में गिर गई थी। ये मतलब जिम्मेदार यहाँ मौन बैठे हुए थे, अगर वो गैस नहीं होता तो बच्ची की मौत नहीं होती, आज बच्ची बची रहती। जी, तो इस हादसे के बाद अधिकारियों का क्या कहना है? मैम अभी तो कुछ बयान नहीं आया है, अभी तक परिजन का माहौल रो रो के बुरा हाल हो रहा था और बच्ची लखनऊ, बच्ची की परिजन लखनऊ से आए थे, भटनी के रहने वाले थे सब। बच्ची का नाम सानू था और बताया जा रहा है कि स्लेट की वजह से ही बच्ची की जान गई है। अगर वो स्लेट वहाँ गैप नहीं होता तो बच्ची की जान आज नहीं गई होती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।